नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें आप वाईफाई कॉलिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि एयरटेल में भी वाईफाई कॉलिंग का सिस्टम है जो आ चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाइएगा कि आप एयरटेल में वाईफाई कॉलिंग कैसे कर सकते हो, क्या इसे करने के लिए क्या 35 का रिचार्ज होना ज़रूरी है या नहीं, ये सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएगा और कर भी पाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं करके भी दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो आपको जो सेटिंग में जाना है, ठीक है, सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पर कहीं देखना है कनेक्शन वाले सेटिंग में, ठीक है। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन होगा तो आपको कनेक्शन वाले सेटिंग में मिल जाएगा। सही फ़ोन को सभी फ़ोन में आपको अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे फ़ोन में यहाँ दिखा दे तो मोड वाले सेटिंग में आता है, ठीक है, हालांकि इसमें अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस किस फ़ोन में आया है और कौन बाकी जो फ़ोन बच चुके हैं उसमें आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो मेरा ये फ़ोन है, इसमें अभी तक तो आया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन में ला सकते हो, ठीक है, और मैं करके भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो में पूरे ध्यान से आप बने रहें। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसे आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का सिस्टम अभी आया है कि नहीं आया है। लेकिन मेरे फ़ोन में मतलब सेटिंग दिया हुआ है, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से किया नहीं गया है, ठीक है, तो इस कारण मेरे भाई भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ कि कहाँ से आप चेक कर सकते हो अपने डिवाइस का कैपेबिलिटी कि आपके फ़ोन में वर्तमान में वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो चलिए मैं आपको इसके क्रोम पे और इसके एयरटेल चलता हूँ और वहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ कि आपको किस किस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा एयरटेल वाईफाई कॉलिंग। देखिए फीचर्स ऑफ एयरटेल वाईफाई कॉलिंग, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कॉल्स, मेक कॉल एनीवेयर इन इंडिया, वर्क ऑन एनी वाईफाई कनेक्शन, नो ऐप रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है ना सिर्फ अपने फ़ोन पे जो है फ़ोन पे मतलब जिस एयरटेल पे करना होगा तो एयरटेल पे सिर्फ आपको वोल्ट इनेबल करके छोड़ देना है, उस पर 35 का रिचार्ज हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप कर पाओगे वाईफाई कॉलिंग, ठीक है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपको उस सिम में 35 का रिचार्ज होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ देखिए, वाईफाई कॉलिंग कैपेबल डिवाइस इज नॉट सिक्योर इफ़ यू हैव ए कंपेबिलिटी डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए बोला है कि अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ है या नहीं है, इस बात को आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ देखिए क्या है, तो अपडेट द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, बात से बोला कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को नहीं डाउनलोड किया है तो सबसे पहले अपग्रेड कर ले अपने फ़ोन को। और यहाँ बोला स्विच वोल्ट ऑन, ठीक है, वोल्ट ऑन कर देना है एयरटेल वाले पर, और स्विच वाईफाई कॉलिंग, ठीक है, वाईफाई कॉलिंग को यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। लेकिन मैं कल एक वीडियो आ रहा है इसमें मैं बताऊंगा कि आप अगर आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का सेटिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप मैं वहाँ पर एक कोड बताऊंगा जिस कोड का प्रयोग करने से मतलब डायरेक्ट आप खोल पाओगे, ठीक है। सिर्फ आपको डायलर में जाके उस कोड को टाइप कर देना है, वहाँ से आप डायरेक्ट खोल पाइएगा वाईफाई कॉलिंग, ठीक है। तो अभी काफ़ी अच्छा वीडियो मैं कल लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए अपना जो है ना डिवाइस का कैपेबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, लेकिन जैसे एप्पल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए इतने सारे फ़ोन वो एप्पल के हैं जिसमें वाईफाई कॉलिंग वर्तमान में सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। देखिए मुझे लग रहा है आपके पास रेडमी का फ़ोन होगा, तो यहाँ स्वामी मैंने मार दिया। यहाँ देखिए फोको एफोन K20, रेडमी K20 प्रो, रेडमी 7A, नोट 7 प्रो, Y3, और रेडमी 8 में भी आ चुका है। वाह, बहुत अच्छी बात है। रेडमी 8 में जियो नहीं दिया, लेकिन रेडमी 8 में आपको एयरटेल दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको चेक करा के दिखाऊंगा, रेडमी 8 नहीं तो Y3, ये दोनों में से किसी में एक में आपको चेक करा के दिखा दूंगा कि वाईफाई कॉलिंग आप कैसे कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरे फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनी हैं, लेकिन रियलमी का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन रियलमी ने अनाउंस कर दिया है कि मैंने सारे फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग को इनेबल कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ देखिए रियलमी का इस पर भी कोई चर्चा नहीं है। और मैंने आपको जियो पे भी दिखाया होगा कि उसमें भी कोई चर्चा नहीं है। अगर आपने जियो वाईफाई कॉलिंग कैसे करी ये नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया और मैंने वहाँ पर करके भी दिखाया, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। और देखिए सैमसंग में भी बहुत सारे फ़ोन हैं, J6, 16, M30S, 8S, M20। देखिए एक बात मैं बताऊँ, जियो जो दे रहा है ना वाईफाई कॉलिंग उसमें जितने भी पुराने फ़ोन है ना सैमसंग के सब में मिल जा रहा है, ठीक है, जबकि एयरटेल जो दे रहा है सिर्फ नया नया फ़ोन है उसी में दे रहा है, सब में नहीं दे रहा, ठीक है। रेडमी में मैंने बताया कि रेडमी का पुराना सेट है, यानी इसको सब फ़ोन में देने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन देगा ज़रूर, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको कल बता रहा हूँ, ठीक है, कल मैं पूरे अच्छे तरीके से करके बता रहा हूँ, एक फ़ोन लेके उस पर मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से करके बताऊँगा।
किस तरीके से ये आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट के पास दे सकते हैं। धन्यवाद।